स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगी। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एम्स एमएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग पीजी का एग्जाम दिया था, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल साइट पे चेकआउट कर सकते हो। वहीं हम यूजी की बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल यूजी की एग्जाम देने वाले हैं जो 12 जून को होने वाला है, तो अभी आपका आज लास्ट डेट है प्रिपरेशन का। जितना आप रिवाइज कर सकते हो कर सकते हो। कल आपको एग्जाम कुछ सेंटर पे पहुंच जाना है जितना आपका टाइम दिया गया है, ठीक है, उससे एक दिन पहले पहुंच जाइएगा। 12 को आपका जो है एग्जाम है, आप 11 को पहुंच के वहां पे सेंटर देख ले कि कहां आपका सेंटर आया, कौन सी स्कूल में आया, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग पीजी का एग्जाम दिया, तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल साइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल साइट है aims.ac.in, ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो दोनों नोटिस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करें एमएससी नर्सिंग का, तो एमएससी नर्सिंग का भी यहाँ नोटिस है जिसमें आपका कल की डेट में आपका जारी हुआ था। वही हम बात करें इसमें क्या क्या दिया गया है, आपका रोल नंबर दिया गया है, आपका कैटेगरी दिया गया है, आपका परसेंटाइल दिया गया है, आपका और ओल्ड रैंक भी दिया गया है, ठीक है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। दोनों यहाँ पे रोल नंबर अपना चेक कर लीजिएगा, कैटेगरी चेक कर लीजिएगा और आपको कितना रैंक आया है। कम से कम यहाँ पे 1300 के लगभग स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी किया गया है जिसे आप देख सकते हो, ऑफिशियल साइट पे और चेकआउट कर सकते हो। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ये नोटिस भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कम से कम 1300-1400 स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है, कितना परसेंट आया, रोल नंबर वाइज यहाँ पे सब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अपना चेकआउट कर लीजिएगा कि कितना आपके परसेंटाइल आया और कितना आपका ऑल इंडिया रैंक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो सब चीज पढ़ लीजिएगा। नीचे आपको एक चीज दिया गया है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे वो आप देख लीजिएगा। एंड देन हम स्क्रॉल करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट आपको aims.exam.ac.in हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको वे ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा, डेट है लास्ट 13 तारीख तक। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है, वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के जितने भी स्टूडेंट्स है वो अपना कैटेगरी का जो डेट है, इश्यू डेट है, उसका ध्यान में रखिए। यदि आप इश्यू डेट की बात का, यदि आपके पास सर्टिफिकेट हुआ तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, यदि आपका लिस्ट में नाम है और यदि आप सिलेक्शन हो जाता है, आपको सीट मिलता है, लेकिन आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। वही हम पीजी की बात करें तो पीजी के स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आया है जिसे आप इसकी ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो। जिसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सेकंड नोटिस पीजी का मिल जाएगा आपको, इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि आपको रोल नंबर और उसके बाद कैटेगरी, उसके साथ एम्स कैंडिडेट कौन कौन सा है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में नीचे और नीचे स्क्रॉल करोगे तो और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये भी नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, कैटेगरी दिया गया, रोल नंबर दिया गया, सब डिटेल दी गई है आपको, डॉक्यूमेंट्स 13 तारीख तक क्लोजिंग डेट है। और बात करें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो डेट है उसकी इश्यू डेट के अंदर में आपका होना चाहिए। ओके, तो आई होप ये सब चीज समझ में आ गई, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको यहाँ पे सब डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। दोनों नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, या आप ऑफिशियल साइट aims.exam.ac.in पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पे पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं एम्स यूजी को, हमारी तरफ से उनको ऑल द बेस्ट। अभी अपना एग्जाम्स का 2 दिन और बाकी है, तो आज अपना प्रिपरेशन जितना कर सकते हो कर सकते हो, उसके बाद कल तक आप सेंटर तक पहुंच जाइएगा, क्योंकि उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग ही आपका एग्जाम होने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखिए, एंट्री टाइम आपको ध्यान में रखना है, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सही टाइम पे सही जगह अपनी एग्जाम के देने के लिए पहुंच